नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी। आप हैं सागर टीवी न्यूज़ के साथ। सागर टीवी न्यूज़ की चुनाव यात्रा बीना में है और बीना के इस वक्त हम बड़ी मशहूर जगह है सर्वोदय चौराहे, वहां पर हैं। यहां पर अब सर्दी का मौसम अब धीरे धीरे शुरू होने लगा है, तो ये जैकेट नई नई आ गई हैं और ये भैया जो हैं, ये आप ये जो चैनल है सागर टीवी न्यूज़, इसके बड़े बहुत पुराने जो है प्रशंसक भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, तो इनसे ही शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। इन्होंने अभी जैकेट्स की दुकान लगा रखी है, लपक के इनकी जैकेट्स बिक रही हैं। आज नया माल खोला है इन्होंने। क्या नाम है आपका? आकाश यादव जी। आकाश यादव जी, कब से काम कर रहा हो ये? सर ये मुझे 7-8 साल से करीब हो गया। अच्छा, 7-8 साल हो गया जी। तो ये अब तो आज तो नया माल खुला है? बिल्कुल बिल्कुल नया, अब तो नया दिन पे दिन नया आता जाएगा। आओ भाई, तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में सब बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। क्या कौन जीतेगा? अब ये तो चुनावी माहौल है सर, मालूम नहीं कौन जीतेगा। बाकी ऐसा है कि काम तो बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया है। बाकी तरक्की भी हो रही है बीना की, बढ़िया लाइट माइट सब लग गई है। अच्छा। बाकी अब जनता के मन में है, जो लोग जनता है। आप थोड़ा सा इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? बोलू लोधी। इधर लोधी साहब जी, क्या लग रहा हो इस बार? सर यहाँ तो बीजेपी आएगी बीना। बीजेपी क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा बीना का माहौल बहुत अच्छा है। तो माहौल क्या अच्छा है ये बताओ जरा। माहौल बीना का ये आप देख रहे हैं सर, ये इसी वर्ष में पंचवर्षीय में लाइट है, रोड लाइट वो लगी हुई है। लाइटें अच्छी लग गई जी बीना में, आप खुश हैं लाइट लगने से? जी बहुत अच्छी है, यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है बीना। अच्छा माहौल है। क्या नाम है आपका? अनिल घड़ीक। क्या करते हैं? सब्जी बेचते हैं भैया। सब्जी बेचते हैं, क्या लग रहा है इस बार? दोनों पक्ष मजबूती से लड़ रहे हैं, अब देखते हैं कौन जीतता है। मजबूती से लड़ना है दोनों पक्ष। क्या नाम है भैया आपका? नरेंद्र कुशवा। कुशवा जी क्या करते हैं? मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। एक सरकारी? नहीं प्राइवेट जॉब। प्राइवेट सरकारी होती तो फिर हम कुछ नहीं करते। क्या लग रहा है इस बार? इस बार दोनों का टक्कर सेम ही है, लगभग 50-50 चल रहा है। भाजपा और कांग्रेस का जो टक्कर है वो लगभग सेम ही लग रहा है, दोनों का टक्कर एक सा ही लग रहा है। अभी कुछ कह नहीं सकते कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हाँ। क्या नाम है भैया आपका? राम। कहाँ रहते हो? बीना में, प्रताप बाट। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार चुनाव? बीजेपी है बढ़िया। बीजेपी पक्का? महेश राय जीत रहा है फिर से? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, काम अच्छा है, काम अच्छा है, रिकॉर्ड अच्छे हैं, मतलब ऐसे काम वाम के विकास विकास के मुद्दा बीजेपी सरकार कार्यक्रम भी बढ़िया करत है, बढ़िया है माहौल। चलो और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आकाश कुशवाहा। क्या करते हो कुशवाहा? सर मेडिकल पे करते हैं हम काम। अच्छा। रिफाइनरी मेडिकल। क्या लग रहा है इस बार? इस बार सर चुनावी माहौल है, कह नहीं सकते सर क्या है। क्यों बीना तो लगता होगा ना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा? बीने होंगे वैसे, बीजेपी आएगी वैसे तो। बीजेपी आएगी। हाँ। महेश राय अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ काम बढ़िया कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कृष्ण पाल यादव। वोट डाल रहे हो नहीं डाल रहे? अभी हमारी नहीं आ रही। कितनी साल हो गई उम्र? हमारी 18 साल हो जाएगी अब। 18 साल उम्र हो गई? हो जाएगी अब। हो जाएगी। अच्छा चलो और लोगों से बात करते हैं, और लोग भी हैं उनसे भी बात करते हैं, चलते चलते बात करते हैं कौन कौन है बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जैकेट ले लिया यार? नहीं नहीं। क्या नाम है आपका? अक्षय श्रीवास्तव। नाम क्या है साहब? अक्षय श्रीवास्तव। अक्षय श्रीवास्तव, क्या करते हैं अक्षय भाई? अभी स्टडी चल रही है। स्टडी चल रही है? हाँ। क्या क्या कर क्या पढ़ते हैं? बीएड चल रही है। बीएड चल रही है, मतलब शिक्षक बनने की तैयारी है। हाँ। कहाँ रहते हैं आप? मैं सागर में रहता हूँ। सागर में रहते हैं? हाँ। तो फिर बीना में कैसे आना हुआ? बीना में ऐसे ही घूमने, पास में गांव है मेरा। अच्छा। हाँ। तो विधानसभा बीना ही लगती है? नहीं, विधानसभा में खुरई लगती है। खुरई लगती है? खुरई में क्या है इस बार? अब मुझे तो पता नहीं, मैं रहता हूँ। हाँ हाँ, मैं सागर में रहता हूँ। तो और लोगों से बात करते हैं, सर्वोदय चौराहे पर ही हैं हम लोग। और क्या नाम है आपका? कमल यादव। दूध में? दूध वाले। दूध वाले हैं? हाँ। ढबरे टंगे हुए हैं? हाँ। तो दूध क्या लग रहा है इस बार है? क्या लग रहा है? पाँव का है महेश राय। महेश राय पक्का? पक्का। एक तरफा? एक तरफा। अच्छा अच्छा, एक तरफा। अरे हाँ, विकास अच्छा करता है, बाकायदा कुट्टी दे रहा है, पैसे दे रहा है, बढ़िया शांत है, बिल्कुल शांत माहौल है उसका। हाँ। महेश राय। महेश राय। हाँ।
क्या भाई, क्या भैया, क्या नाम है आपका? अरे यार कहाँ बोला यार, अरे इधर तो देखो तुम दूसरों को। अरे सर आप अरे अपन जानते ही नहीं है तो बता। अरे अभी उन्हें बता बुला रहे थे आपके, इनकी बाइक लो ला रहे थे भाई, वो बात कर ले, वो बुला रहा तुम्हें। हाँ अपन जानते नहीं है चुनाव मुनाव। अरे तो चुनाव नहीं तो हाल चाल तो बात कर लेते हैं। अपन कहाँ रहते हो? अभी नाम है मनोरमाबाद। मनोरमाबाद करते क्या हो काम? कपड़े का काम करते, प्रेस का। प्रेस का काम कितने रुपए जोड़ी चल रही है आजकल? वही चल रही 30 रुपया मई प्रेस के। महंगा हो गया कपड़े धुलवाने का काम भी? धोते हैं, प्रेस भी करते हैं। अच्छा तो फिर है माहौल है इस बार चुनाव? माहौल चल रहा है अभी। हाँ दोनों पार्टी टक्कराई में चल रही हैं अभी। टक्कर में चल रही हैं? हाँ पक्का जीतेगा को? अब देखो भाई किस्मत है अपनी अपनी, जो जीत जाए। साहब आपका नाम क्या है? अनुगत। कहाँ रहते हैं? मनोरमाबाद। आपके साथ ही हैं क्या? अलग अलग। अलग अलग पहचानते तो हो गए ना? नहीं पहचानते। पर सब्जी का कारोबार है अपने, सब्जी का। क्या लग रहा है इस बार भाई साहब? कछु नहीं कह सकते यार, अब यहाँ तुम वहाँ हम है। आप बताओ, तक तुम ही बता दो थोड़ा बहुत आइडिया। अब हम क्या बताएं, हम तो खुद दूसरी सागर से आए, आप लोगों से जानकारी मिलेगी। जानकारी अब अपन किसी दिल में थोड़ी बैठा है कौन सी पार्टी पलट जाए। माहौल भी तो लगता है। अरे अब कोई भरोसा नहीं है भाई साहब, तो टक्कर में चल रहे हैं प्रोग्राम, कोई भी आ सकता है। अच्छा हाँ इस बार टक्कर कर रही है बीना? बिल्कुल टक्कर कर रही है। पहले नहीं आती रहती? पहले नहीं थी, ज़्यादा टक्कर कर रही है। टक्कर कर रही है, कोई भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं। क्या नाम है साहब आपका? अमित राय। अमित राय साहब क्या करते हैं अमित जी? हम खेती। खेती कितनी है खेती अपने? खेती ठीक ठाक है। ठीक ठाक है मतलब लंबरदार है केला? अरे नहीं नहीं ठीक है, अब जितनी होना चाहिए होना चाहिए। और फसल वसल बीमा मिला नहीं मिला इस बार? फसल बीमा की तो नहीं है जानकारी यार भाई। क्यों ऐसा ही? अभी कुछ लॉस भी तो नहीं हुआ था? लॉस भी तो नहीं हुआ खेती में अभी? पिछली बार अभी सोयाबीन के इससे पहले सोयाबीन तो बढ़िया निकला। नहीं उससे पहले की बात, उसके पहले की नहीं है यार, लॉस कम हुआ था। हाँ क्या लग रहा है साहब काय में चुनाव में? चुनाव में बढ़िया है, अब अपने स्तर से सब लगे हैं, रिजल्ट आएगा मालूम पड़ेगा। माहौल क्या है? माहौल हाँ माहौल तो देखो बीजेपी की लहर है। बीजेपी की लहर है? हाँ क्यों? बढ़िया काम की बीजेपी ने तो बीजेपी रहेगी। ये आपके दोस्त हैं? हाँ ये भाई हैं? दोस्त हैं। दोस्त हैं। क्या नाम है आपका? यश। हाँ यश। क्या करते हैं? दूध डेयरी है। दूध डेयरी। क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी पक्का? महेश राय। सबकी राय? सबकी राय महेश राय है, सबकी राय राय साहब। राय साहब भगवत कपड़े पहने पे नहीं, इनसे बात करते हैं। क्यों साहब क्या नाम है आपका? मनोज पंती सर। पंती साहब कहाँ रहते हैं? यहीं पुलिस थाने के पास सर। अब लेकिन कुर्ता देख के तो लग रहा है कि क्या बोलोगे? बोले सर। क्या किसकी राय है? बीजेपी। पक्की बात? पक्की बात। क्यों ऐसा कहे? सबकी राय महेश राय है। हमारा डायलॉग बोल रहे यार, जब महेश राय जब चुनाव जीत के वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में जब निकले थे, नेट टू नेट फाइट थी, तो लगभग यही रात का टाइम हो गया था, तो ये 400-450 वोटों से जीत के जब निकले तो हम वहीं खड़े हुए थे इंटरव्यू लेने इनका, तो हमने कहा कि बीना से सबकी राय महेश राय, महेश राय यही बोला था हमने। तो वो उस वक्त की 5 साल बाद पुरानी थी, अब फिर से वो चुनाव मैदान में है और अब वो किस्मत अपनी आज सरकार कार्यकाल में है और इतने साल से है, बढ़िया काम है, कोई टूटी नहीं है। कुर्ता बता रहा है कि तुम आप जो है कार्यकर्ता हो। अब तो साहब हम जो है सही बात, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कब से हो? अच्छा भाई अपन नहीं है अभी कोई कार्यकर्ता नहीं है, सबके सेवा के अपन तो भैया। अच्छा। पेंटिंग का काम है अपना तो उसको। कुर्ता बड़ा अकवा कलर का पहनना का ही है। बिल्कुल। क्या नाम है आप लोगों का? सुरेंद्र पाल। वोट डालते हो? अभी नहीं। कब डालोगे? अभी डालेंगे, मतलब डालोगे। फर्स्ट वोटर हैं आप हैं? कितने 18 साल उम्र हो गई? वही हूँ अभी। ओ जब आप पैदा हुए थे तब से भारतीय जनता पार्टी है एमपी में, क्या है इस बार आपका ख्याल? क्या है देखते हैं। हाँ आने वाले समय पे क्या लग रहा? वो तो वक्त देखा जाएगा। तुम्हें माहौल क्या समझ में आ रहा? आपको माहौल समझ में क्या आ रहा? माहौल कैसा चुनाव का?
जो है वो देख रहा है। क्या नाम है? गौतम तिवारी। कहाँ रहते हो? वोट डालोगे इस बार? अब 18 के नहीं है ना। अच्छा, अभी 18 के नहीं हुए? नहीं हुए। ये हो गए, तुम 18 के हो गए? क्या नाम है बताओ? आयुष जैन। आयुष जैन, क्या लग रहा है इस बार? बदलाव, बदलाव, बदलाव। फर्स्ट वोटर, बदलाव, बदलाव। पहला वोट ही डालोगे? बदलाव। क्यों? अच्छा, बदलाव है। मम्मा बहुत अच्छी करता है। क्या करता है? योजना वीर मम्मा है। पुराने कांग्रेसी लग रहा है दोस्त? नए कांग्रेसी। हाँ, क्या बात कर रहा है? नए कांग्रेस, कांग्रेसी, कांग्रेस को बहुत मुश्किल से मिलना है आजकल तो। मम्मा सब तो कर रहे है। अरे क्या कर रहे मम्मा? अरे सब कर रहे हैं, बेरोजगार फिर रहे हम। ये सही कह रहा है? गलत कह रहे हैं। बेरोजगार उनकी गलती है का? पढ़ो लिखो भी गलत कह रहे। पास हो, स्कूटी दे रहे, सब तो दे रहे। पढ़ लिख के तो खड़े हैं हम। हाँ, कचू मिलो का आज तक हमें? जन पढ़ाई करी के बारे में जांच करो ना, काय की करी, कैसी करी का? मन पढ़े हैं, लिखे हैं, सब कर रहा है, कचू नहीं, बेरोजगार फिर रहा है। पढ़ाई करी नया वोटर? अरे अब तुम्हारा वोट नहीं है तो तुम्हारी बात कम मानी जाएगी। है, ये वोट डालेंगे इनकी बात ठोस मानी जाएगी। ऐसी कोई बात हो गया, 18 का होने वाला है। नाम नहीं है ना उसका वोटर लिस्ट में? क्या अभी नहीं है? हाँ। लेकिन मम्मा जी फ्रेंड ही हमारा। ये मम्मा की तरफ बोल रहे हैं, ये कांग्रेस की तरफ बोल रहे हैं और आप इनकी तरफ बोल रहे हो। हाँ, क्यों? दोस्ती है क्या पुरानी? जी सर, दोस्ती वाली बात नहीं है, जो है तो है। खुल के नहीं बोल रहा कौन जीतेगा? अरे जीते ना भाजपा जपन। अरे तुम्हें वोट ही नहीं डालोगे तो फिर क्या है? भाजपा ही जीतेगी। प्रचार तो दोस्त का यार, आखिरी में साथ दे दिया इसने। प्रचार करें ना तो। क्या नाम है आपका? अंकित पटेल। पटेल साहब क्या करते हैं? बस पे है। बस पे काम? क्या कंडक्टर, क्लीनर, ड्राइवर? कंडक्टरी। कंडक्टरी। भगवा टी शर्ट पहन रखी है अंदर? भारतीय जनता पार्टी वाली। ऊपर नीला वाला पहन रखा, क्या है माहौल? क्या है इस बार? फूल। पक्का? कब से कार्यकर्ता रहा है क्या भारतीय जनता पार्टी? शुरू से दे जा रहा है। अरे इधर आया यार, बहुत जोरदार ना। अरे यार, अरे इधर आया दोस्त ने, क्या ये आपके? नहीं नहीं। तो क्या नाम है आपका? अमित खटीक। क्या लग रहा है? हाँ, अमित खटीक ना। चुनाव में क्या लग रहा हो? जो कटरा स्वामी बताएंगे क्या होता है कटरा स्वामी? मतलब भाजपा आ रही है, कांग्रेस आ रही है? तो आप तो बता दो, लोकतंत्र में तो जनता स्वामी होती है। कह नहीं सकते अब, तो कटरा स्वामी करेंगे जो कछु करेंगे। बता दो फिर भी। नहीं जानकारी अभी तो। अरे उनकी बात पे हंसे हूते आप लेके। अब शर्ट पहने ना, इसलिए हंसी आ रही थी। अच्छा, शर्ट पहने थे। क्या नाम है आपका? भैया गजेंद्र ठाकुर। गजेंद्र ठाकुर साहब। जी जी जी। क्या करते हैं आप? सर जॉब करते हैं। सर जॉब करते? जी सर। तो क्या लग रहा है इस बार? सर अच्छा है माहौल इस बार। अब देखो जनता का रुझान है 50-50 है। 50-50? हाँ, लेकिन ये है अब बीजेपी जोर मारेगी। हाँ। अब अच्छी योजनाएं निकल रही हैं अभी, महिलाओं के लिए भी हैं। हाँ। और भी योजनाएं, मोदी जी हैं, मोदी जी का चेहरा है। हाँ। अब देखो वहाँ की जनता का रुझान है। जनता का रुझान है। जी इस बार तो बदलाव है 100% बीना में के मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश बीना में सब में। अच्छा, बदलाव योगी जब तक मोदी जी योगी जी हैं बदलाव तो नहीं कह सकते। अब बीना में थोड़ी है। यहाँ मोदी और योगी यहाँ थोड़ी हैं, मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन आदमियों के मन में है, दिल में है, अभी भी है। हाँ। और उनका सब सम्मान करते हैं। हाँ। अच्छे नेता हैं। अच्छा नेता क्या? नेता नहीं है, घर के आदमी है अपने, जब घर के मतलब घर के हैं, जब चाहे जो। अरे ऐसा नहीं है, आप एक एक इंसान से पूछो मोदी जी के बारे में, कोई ऐसा नहीं बोलेगा। क्या नाम है? बता बता बता, तुम्हारा नाम क्या है? गजेंद्र कुशवाहा। वोट डालोगे इस बार? जी डालेंगे बिल्कुल। फर्स्ट वोटर? जी फर्स्ट वोटर है ना। हाँ। क्या लग रहा है इस बार? इस बार लग रहा है जैसे कि मतलब दोनों में बराबरी का चल रहा है, टक्कर चल रही है। हाँ, तो इस बार देखते हैं क्या होता है। अच्छा फर्स्ट वोटर हो आप। हाँ। तो आप क्या सोचते हो कि मैं पहला वोट कैसा होना चाहिए? मेरा पहला वोट अच्छे ही जाना चाहिए, मतलब किसी को ऐसा कि जो कुछ कर सके। तो कौन क्या करेगा? नहीं पीछे से मत। हाँ, कौन क्या करेगा ये तो आप वही बता सकते हैं। हाँ हाँ, तो हम यहाँ पे बीना के सर्वोदय चौराहे पर, और ये खादी ग्राम भंडार है यहाँ पे, इसके बाजू में वाचनालय भी है, और यहाँ पर हम लोगों से बात कर रहे थे और काफ़ी युवा मिले, नए वोटर्स मिले, भाजपाई भी मिले, कांग्रेसी भी मिले, सबकी अपनी अपनी राय है। और सबका ये कुछ लोगों का कहना है कि जिसका अभी कह रहे थे ना कटरा स्वामी, मतलब जो इसके किस्मत में जो लिखा होगा वो हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं और लोगों से आपको मुखातिब कराते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।